जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। हाँ चाचा, तो भाई आज जो ना हम चाचा से पूछते हैं, चाचा चाचा ना सारी जिंदगी चाचा ने क्या किया है और क्या करते रहे, अभी क्या करने चाह रहे हैं। चाचा आप बताइएगा, पहले आप क्या करते पहले? जी पहले मैं अपनी मादरी जबान में काम करता रहा हूँ, सराकी ड्रामों में और फिल्मों में काम करता रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल था एमपी गोल्ड, उसमें काम करता रहा हूँ, टीपी गोल्ड भी किया है थोड़ा। तो सारी ज़िंदगी मैंने अपना 16 साल वहीं गुजारे, अपने ज़ाया किए हैं, मुझे वहाँ से पैसे नहीं मिले, पैसे घर से लगाता रहा हूँ। भाई चाचा जो है ना, इसको शौक था हीरो बनने का, जैसे हमजा का शौक है ना, तो इनको शौक था हीरो बनने का वो सराकी मूवीज में। तो ये क्या करते हैं, अपने पैसे खुद लगाते, जो हीरोइन होगी वो भी उसके पैसे भी, जो मतलब सिंगर है, वीडियो मैन, कैमरा मैन, सब कुछ ही अपने पैसे खुद लगाते। ये लोग अपने गाना ड्रामा बनाते थे, फिर जाके किसी जैसे किस चैनल है, एमपी गोल्ड है, जब अच्छे चैनल है उनको जाके देते थे फ्री में, और वो अपने चैनल पर चलाते, जो पैसे मिलते थे वो खुद ही मतलब लगा उनको मिलते थे। तो इनको क्या था कि भैया हमें फेम मिल रही है, एक दिन लोग आएंगे हमें बोलेंगे हम आपको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। तो इन चक्रों में जो इनकी सारी ज़िंदगी में ना कुछ हासिल भी नहीं हुआ, और जो ना सारी ज़िंदगी पर जो बनाते थे ना, मतलब फ्री में बना के दूसरों को देते थे कि आप ये अपने चैनल पर लगाएं और हमें फेम मिलेगी। और इन्हें फेम तो मतलब मिलनी थी जो मिल गई, लेकिन पैसे ना कुछ मिले, सारी अपने पैसे ज़ाया किए वहाँ पे, हराम किए। फिर हमने बोला था अगर आपको इतना शौक है भी सही फेम वगैरह इन चीज़ों का, तो आप अपना खुद का यूट्यूब खोल लें, यहाँ पे आपको जो वो क्या बोलते हैं, कोई किसी को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। वो अभी आपको पता है जैसे वो ये बनाते फनी जैसे और ड्रामे बनाते थे ना सराकी वगैरह, तो उनमें हीरोइन की जरूरत पड़ती थी, कैमरा मैन की जरूरत पड़ती थी, म्यूज़िक की जरूरत पड़ती थी, तो ये सब पैसे देके वो बनवाते रहते थे कि भैया हमारा नाम बन रहा है। तो इसमें मैंने बोला आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। तो अभी ये इस चक्कर में लगे हुए हैं, तो अब बस अल्लाह खैर का इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, इनका चैनल भी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ना मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी जो है ना अपना व्लॉग बनाऊँगा बच्चों के साथ, तो मेरे को जो है बच्चे इधर कराची भी लेके आए, मैं यही काम करूँगा। जब पंजाब में भी किया तो ये व्लॉगिंग करूँगा इंशाल्लाह। पहले से जो मैं कर चुका हूँ मतलब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं खुद घर से पैसे लगाता रहूँ तो हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा 16 साल वैसे मेरे गुजर गए जो ना वो ज़ाया हो गए समझो, मैं फेमस नहीं हुआ, तो मेरी औलाद भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं और मेरी एक बीवी है वो पंजाब में अभी। तो मैं अभी इंशाल्लाह इधर कोई नौकरी भी करूँगा और इधर काम कराची में करूँगा, तो दुआ कीजिएगा। तो जो आपको कहना है बिल्कुल कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो है पिछला मैं ये बात बताने का मकसद बस ये था कि कल को अगर आपके सामने कोई वीडियो रहती है जिसमें चाचा जो है ना कोई गाने में काम कर रहे हो, तो आप बोलेंगे ये चाचा किस काम में पड़ गए, तो ये बात क्लियर करना चाहते कि चाचा जो ना शुरू से इन्हीं काम में, चाचा जो ना ये ड्रामे वगैरह बनाते रहे हैं ये चीज़ें। तो अभी बस इनको हमने बोला वो छोड़ दो, काम का पैसा लगा के पैसे आराम करने वाली बात है, तो आपका जो अगर शौक है तो वो यहीं पर आप पूरा कर लें, बस यही है। तो बात यही क्लियर करनी चाहिए, कल को अगर आपके कोई वीडियो आती है मैंने बोला अभी आपको हर बात शेयर कर दूं अपनी, ताकि कल को कोई पीछे बात करे नहीं, मैं अपने मुंह से खुद कह दूं कि मैं ये काम करता रहूं पहले, इंशाल्लाह व्लॉगिंग करूंगा। तो वसलाम, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह आप लोगों को हंसता और बसता रखे। वसलाम।